खरगोन जिले के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं देने वाली एम्बुलेंस पर तैनात स्टाफ ने वाहन चालक एजेंसी की मनमानी और अनियमितताओं से नाराज होकर अपनी मांगों के समर्थन में एम्बुलेंस संचालन रोककर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचे एम्बुलेंस चालक इमरजेंसी टेक्नीशियन ने रोका वेतन, ज्वाइनिंग लेटर जारी करने, समय पर वेतन जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी एम्बुलेंस नवग्रह मेला मैदान में खड़े कर दिए गए थे, जिससे जिले में इमरजेंसी वाहन सेवाएं प्रभावित हुई। एम्बुलेंस स्टाफ पीयूष वसारे, तुलसीराम दांगी, संजय गांगले, संगीता अमोदे, स्वाति चौधरी आदि ने बताया कि जिले में जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 54 वाहन संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर इमरजेंसी टेक्नीशियन एवं चालकों की तैनाती की गई है। इस कंपनी द्वारा 1 मई 2023 से प्रदेश की व्यवस्था संभाली गई। जब से इस कंपनी ने कामकाज अपने हाथ में लिया है, कंपनी की मनमानी से स्टाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जो हमारे EMT पायलट है, जिन्होंने वन मैन आर्मी की तरह अपनी सेवाएं दी हुई है, एक घड़ी मिलिट्री वालों को सैल्यूट करते हैं, उनको भी महीने में एक महीने भर की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन किसी का बच्चा, किसी की माँ अगर घर पे अगर पार्थिव शरीर में पड़ा हुआ रहता है तो उसको इमरजेंसी में छुट्टी तक नहीं मिल पाती। वही गलपते हुए रोते हुए अधिकारियों के पैर पकड़ लेता है, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती। सभी का ध्यान करो, कोविड काल में बेचारे EMT पायलट होने सुपर मलों पे अपने दिन गुजारे हुए। आज रोते बिलकते लोगों को देख के खुद को मन को ये करते हुए और उनको तत्परता के साथ अस्पताल पहुंचाया हुआ है। तो पायलट रहते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, तो बहुत सारी गाड़ियां ऐसी है जिनपे मेडिकल टेक्नीशियन है नहीं और पायलट के भरोसे गाड़ियां चल रही है। और मैं खुद 3 महीने से EMT हूँ और मैं कंटिन्यू पूरा महीने ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरी सैलरी बराबर नहीं आ रही, बिल्कुल 50% डिडक्शन हो रहा है अधिकारियों द्वारा। अभी सैलरी मेरी 7,000 रुपये आई है मात्र, पिछले महीने 12 आई, उसके पहले 15,000 आई थी, जबकि सैलरी 22-23,000 आना चाहिए। इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वो कंपनी का रवैया ऐसा है, वो मनमानी अपनी चला रही है। क्या मांग करते हो? मांग ये करते कि जो भी ड्यूटी करे, जो भी काम करे, उसका पेमेंट मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए। अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी कलेक्टर महोदय सर को ज्ञापन देंगे और जो भी हमारी मांगे है उनके बारे में बताएंगे। हड़ताल पे भी आ रहा हूँ, छोटी-छोटी बातों भोपाल बुलाते हैं। लखन कुमार हिरवे, EMT। रोज पहले भी हम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी को सौंप गए थे इसी मामले में कि वेतन विसंगति के मामले में था, और आज भी सब में इतना रोष आ गया है कि इनका एवरेज इनसे मांगा जा रहा है 17-18 का, जो 11-12 का एवरेज गाड़ियां देती है उनका 17-18 का एवरेज क्या ये अपने जेबों से भरेंगे? इसके मुद्दे में इकट्ठे होकर हम सभी आज वो हड़ताल करने जा रहे हैं कि भले हमारी नौकरियां रहे तो रहे, भले नहीं रहे, लेकिन आज हम पूरा शासन सरकार को हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करवा के ही रहेंगे, तभी जाकर हमारी ड्यूटियां करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपने एम्बुलेंस भी यहाँ पे मेला ग्राउंड में खड़ी कर भाई, इसी मुद्दे में बुलवाई है कि हमारा रोष इतना हो गया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल से कोरोना काल से जिस समस्याओं से संघर्ष से गुजर रहे हैं हम। क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि ये ठेका पद्धति हमारे पास से दूर करवा ली जाए और जो गाड़ियों का मेंटेनेंस है NRHM करके और तनख्वाह का जो वेतन है, वेतन में जो विसंगति जा रही है, कम से कम 20,000-22,000 रुपये हमारी वेतन महंगाई के देखते हुए आना चाहिए। कंपनी का व्यवहार किस तरह से आपके? कंपनी का व्यवहार तो इतना घटिया तरीका है कि शब्दों के अगर बाण करूं तो वो गलत हो जाएगा आपके बीच में बोलूंगा तो। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश चटिये। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।